आप के तीर्थंकर बनोगे, लेकिन अवसर्पणी काल में, आने वाले कालों में बनोगे। तो उसने पूछा, क्या कोई कोई भी तरीके से मैं अपनी नरक गति टाल सकता हूँ? तो भगवान महावीर स्वामी बोले कि हाँ, तीन चीज़ों से मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या पता अगर तुम वो कर लो तो तुम्हारी नरक गति टल सकती है। तुम्हारे ही राजमहल में एक कपिला नाम की दासी है, वह कभी दान नहीं देती, अपनी इच्छा से तो कभी दान देती ही नहीं है, वो दान नहीं कर सकती। अगर तुम उसके हाथ से दान दिला दो तो फिर तुम्हारी नरक गति टल सकती है। और दूसरा है, तुम्हारे यहाँ पर महाशोकरिक नाम का एक आदमी है जो कसाई है, जो भैंसों का वध करता है, 500 भैंस एक दिन में मारता है। तो उससे भी अगर एक दिन की भी हिंसा का त्याग करवा दो, अगर वो हिंसा न करे तो भी तुम्हारी नरक गति टल सकती है। और तीसरा, यहाँ पर नगरी में एक श्रावक है जिसका नाम पुनिया है। पुनिया नामक श्रावक जो है, उसकी समायिक इतनी दृढ़ है, उसकी समायिक शुद्ध समायिक है, सबसे शुद्ध उसकी समायिक है। तो अगर वो तुम्हें अपनी समायिक बेच दे तो मैं तुम्हें तुम्हारी नरक गति टल सकती है। तो वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि ये तो आसान से उपाय है, ये तो मैं कर ही लूँगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो जब जाता है कपिला नाम की दासी के हाथ में, कहता है कि तू दान दे, मैं तुझे दे रहा हूँ और तू अपने हाथों से दान कर, पर वो दान नहीं करना चाहती। वो ज़बरदस्ती उसके हाथों में से दान दिलाता है तो वो कहती है, मैं दान नहीं दे रही, राजा का चम्मच दान दे रहा है, राजा दान दे रहा है। बोलती जाती है कि मैं नहीं दे रही हूँ, राजा दे रहा है। मतलब भावों से उसने दान नहीं दिया। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा भावों का ही महत्व बताया गया है। जब उसने भावों से दान नहीं दिया तो उसकी ये बात सफल नहीं होती, वो विफल हो जाती है। दूसरी बात थी कि वो उनके जो कसाई था, जो भैंसों का वध करता था, एक दिन उसने बोला कि ये आज के लिए तुझे नियम है कि तू एक भी भैंसे का वध नहीं करेगा। वो बोला, नहीं, मुझे तो रोज ही इनका वध करने की एक आदत पड़ गई है, मैं तो ऐसा रोज ही करता हूँ। तो वो उसे छुटकारा दिलाने के लिए उसे कुएं में बांध देता है, लेकिन कुएं में भी वो मिट्टी से भैंसे बनाता है और मिट्टी से, चिकनी मिट्टी मिल जाती है उसे, और भैंसे मारता है। मतलब भावों से वो मिट्टी के भैंसे बनाता है और मारता है। तो ये भी क्रिया उसकी सफल नहीं हो पाती। तीसरी बात, पुनिया नामक श्रावक के पास जाता है, बोलता है कि पुनिया श्रावक इतना खुश हो जाता है कि आप महानुभाव हमारे घर कैसे पधारे हो? तो वो कहते हैं कि आपसे एक काम है और आपको मुझे वो मेरा वो काम पूरा करना है। पुण्य श्रावक बोलते हैं, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं अवश्य पूरा करूँगा। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक समायिक चाहिए। तो वो हैरान हो जाता है, दृढ़ धर्मी श्रावक है, उसे पता है कि समायिक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बेची जा सके। समायिक इतनी अनमोल है, समायिक कभी भी बेची नहीं जा सकती। तो समायिक की किसने कहा कि तुम्हें एक समायिक दे दूं मैं? वो उन्हीं से पूछ लो। वो पूछने लगे, तुम्हारी समायिक की कीमत बता दो, मुझे तुम्हारी एक समायिक चाहिए। तो उसने कहा कि समायिक की कोई कीमत नहीं होती है। पुण्य श्रावक ने बोला कि समायिक तो बहुत अनमोल है, जिसने तुम्हें समायिक की कीमत के लिए कहा है उन्हीं से पूछ लो। तो वे भगवान महावीर स्वामी के पास फिर से जाते हैं और भगवान महावीर स्वामी बोलते हैं कि समायिक की कीमत कितनी है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। समायिक की कोई कीमत ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास जितना भी धन है वो चंद्रमा और सूर्य तक भी तुम नाप दो तो भी समायिक की कीमत को पूरा नहीं कर पाओगे। यानी कि समायिक अनमोल है। समायिक का मतलब ही जीवन में समता आ जाना। यानी हमारे साथ कोई बुरा करे, कोई अच्छा करे, उनके साथ राग और द्वेष न करना। जैसे कोई अच्छा करे तो उनके साथ राग न करना, बहुत ज़्यादा राग न करना। और जो अगर हमारे साथ कोई बुरा करे तो भी उन पर ज़्यादा द्वेष ना रखना, गंदे भाव ना लाना। ये समता का भाव आ जाना ही समायिक है। तो फिर तीनों ही विफल हो जाते हैं। तो राजा श्रेणिक तीनों ही बातों में विफल हो जाते हैं और उनकी नरक गति होती है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जी कहते हैं कि आने वाले समय में तुम पद्म नाभ के तीर्थंकर बनोगे और अवश्य बनोगे, और उनकी श्रेणिक राजा की उस जन्म में नरक गति ही होती है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि
हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, कभी कुछ पाप हो जाए तो हमें भी तो भी हमें पश्चाताप।